1980 में मैं एक मस्त मन मौजी आदमी था। मैं बहुत पीता था और बहुत पार्टी भी करता था। मैं टेक्सास और एरिज़ोना रहने आया और वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। एक दोस्त था जो मैक्सिको से कुछ पानी लाया था, वो शायद जहरीला था। मैंने गलती से वो पानी पी लिया और मुझे कॉलरा हो गया और मैं बहुत बीमार पड़ गया और 72 घंटे तक अपने पेट के बल लेटा रहा। क्योंकि मैं डिहाइड्रेटेड हो चुका था इसलिए मैं मर गया। मरने पर मैंने देखा कि मैं बिना चश्मे के भी इतना साफ देख पा रहा हूँ। सबसे पहले यही चीज़ मैंने ध्यान दी। पूरे कमरे में मैंने घूमकर देखा कि मेरी बॉडी वहाँ पड़ी हुई है जो बिल्कुल हिल नहीं रही, और मैं अपनी बॉडी के ऊपर तैर जैसा रहा था और फिर चारों ओर चक्कर लगा रहा था। और अगली बात जो मुझे याद है कि मैं छत के पास तक पहुँच गया और फिर वहाँ से एक काले से गड्ढे के पास पहुँचा जो बहुत 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 काला था। मैंने ध्यान दिया कि कोई मुझसे बात जैसा कर रहा है, जैसे टेलीपैथी में होता है अंदर ही अंदर वैसे ही, और वो मुझे कुछ समझा रहा है। मुझे जीवन के क्यों समझाए जा रहे थे कि हम जो पूछते रहते हैं क्यों क्यों क्यों, संसार में बुराई क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। लोगों के सवाल तो हमेशा ही होते हैं और इनके जवाब आपको मिलने लगते हैं जैसे ही आप उस स्थान पर ट्रांसपोर्ट होते हैं। उस अंधेरे से एक रोशनी की तरफ मैं बढ़ने लगा और मुझे सब समझ में आता जा रहा था। बस आप समझ जाते हैं बस अपने आप, और कि आप मरे हैं और क्या हुआ था, अब न्याय होगा। और आप जब जा रहे होते हैं तभी आपको सब समझ में आ जाता है कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। हाँ, मैं अंधकार से होते हुए रोशनी की ओर बढ़ रहा था और वहाँ मैंने ध्यान दिया कि उस चट्टान के पास वहाँ रोशनी में कोई बैठा है एक सिंहासन पे। वो जो कोई भी बैठा है वो उसके अंदर से रोशनी निकल रही है, उस व्यक्ति के अंदर से रोशनी आ रही थी। बहुत ही बहुत पावरफुल रोशनी, चमकदार एकदम। उसमें प्रेम, तरस था और गंभीरता और दृढ़ता थी। आप समझ रहे हैं, मैंने सोचा ये कौन है? और एक सवाल जो बार बार मेरे जहन में उठ रहा था वो था कि देखो तुमने इतने खूबसूरत परमेश्वर के वरदान के साथ अब तक क्या किया है। वो यीशु थे जो मुझसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर इन पापों के साथ मैंने तुम्हें स्वर्ग आने दिया तो तुम वहाँ भी ऐसा ही करोगे, और ये नहीं हो सकता, पापों के साथ तो ये असंभव है। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान दिखाऊंगा जो जो अनजान है और लेकिन अब वो दिखाया जाएगा। और उसने अपने वस्त्र से कुछ चाबियां निकाली और जब उसने वो चाबियां निकाली तो उसके कलाई से कुछ बहुत छेद था और उसमें से हड्डी और मांस दिख रहे थे और ये देखना बड़ा भयानक था। खैर, उसने चाबी निकाली और चाबियां बड़ी अजीब सी साइज़ की और डिज़ाइन की थी। फिर उसने एक चाबी को एक दरवाजे के पास लगाया, वो दरवाज़ा खुल गया। फिर एक पर्दे जैसा अंधकार आया और वहाँ अंधेरा हो गया और मैं प्रभु को भी देख नहीं पा रहा था और मैं डर गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप ही उस दरवाजे के अंदर चला गया और वहाँ एक बवंडर था, टॉर्नेडो, और वो घूम रहा था, बहुत तेज घूम रहा था। वहाँ उसमें भंवर बना हुआ था और वो बड़ा होता जा रहा था। और उसमें से भयंकर बदबू आ रही थी वो, और उसमें से जानवरों की आवाज आ रही थी। अगली बात जो मुझे याद है कि जैसे हिसहिसाने की और बहुत चीखने की आवाजें आ रही थी और बहुत ज्यादा गर्म वो जगह थी। और अगली बार मैं आसमान में था, आसमान जैसा ही था, और मैं धड़ाक से जमीन पे गिरा। मुझे थोड़ी चोट लगी लेकिन जब मैं उठा तो मैंने सोचा मैं कहाँ हूँ, और मेरे चारों तरफ लोग दौड़ाए। ये इंसान कुछ मरे हुए थे और उनमें से कुछ जिंदा थे मुझे लग रहा था, और वो मुझे पीठ पे थपथपा के मेरा स्वागत सा कर रहे थे और हंस रहे थे। पहले तो वो वहाँ नहीं थे, एक
एकदम अचानक वो वहाँ आ गए और कुछ था जो मुझे खटक रहा था। वो अजीब से थे, वो अब बिल्कुल अलग दिख रहे थे। उनकी आँखें पीली और बिल्कुल रेप्टाइल्स की तरह, जैसे छिपकली होती हैं वैसे। फिर मैंने घूम के देखा तो वहाँ मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और अब वो कुछ और बन चुका है, वो इंसान तो नहीं रह गए थे। और मैंने पूछा कि तुम जो दिखते हो वो तुम हो नहीं, तुम कुछ अलग हो। और इतने में मैंने चारों तरफ देखा कि वो सब जीव जंतुओं में बदल गए और वो अलग थे, भद्दे और डरावने किस्म के। वो बिगड़ गए हैं और जीव जंतुओं की तरह, जैसे रेप्टाइल्स मगरमच्छ न जाने क्या, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और बदबू आ रही है सड़ी सब्जियों की तरह, बहुत दुर्गंध से भरे हुए जीव जंतु जैसे। और वो मेरी तरफ दौड़े मुझे फाड़ने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए वो दौड़ रहे थे और मेरे छाती की तरफ मेरे पैर पकड़ रहे हैं, कभी कुछ खींच रहे हैं और मैं बचने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे टुकड़ों में फाड़ना चाहते थे, लेकिन वो जो मेरे पीछे खड़ा था मेरे दोस्त जैसा जो पहले था, उसको देखकर वो पीछे हट गए। और वो मैं अपने दोस्त जैसे जो था उसकी तरफ घूमा, वो छोटा सा एक डायनासोर जैसा लग रहा था। मैं समझा नहीं पाऊंगा वो रेप्टाइल्स था क्या था। वो मेरे ऊपर हिसहिसा रहा था, उस थूक रहा था और वो पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा था, वो कुछ और ही बोल रहा था। फिर वो टूटी फूटी अंग्रेजी में फॉलो मी मेरे पीछे आओ बोलने लगा। उसी ने मुझे हिलाया और वो मुझे आगे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। और मैं जानता हूँ इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैं समझ भी नहीं पा रहा था ये क्या है। एकदम से अचानक मैं देखा ये क्या है, ये तो एक सड़क जैसी। और फिर उसने मतलब उस जंतु ने अपने हाथ से उस हॉरिजॉन को फाड़ दिया और उसके अंदर मुझे ले गया। और वो मैं उसी के द्वारा ही अंदर जाने लगा, मतलब मैं बढ़ने लगा। और जब मैं अंदर गया तो मैंने जो देखा कि एक बड़ी बालू से भरी हुई एक रेत जैसी सड़क है और वो बड़ी ही गंदी है। और मैंने एक क्यूब देखा, वो 10x10 का होगा, या यूं कहूँ कि 14x14, इससे ज़्यादा नहीं था। सही डायमेंशंस तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन छोटे छोटे क्यूब्स थे और वो कई कतारों में थे, एक के ऊपर एक थे और उसमें आदमी बंद थे। और वो मतलब ऊपर छत से भी वहाँ कतार पर कतार बनी हुई थी और अलग अलग कमरे जैसे थे, वो जेल जैसी थी, सेल्स और क्यूब में सेल्स। सोचिए इन क्यूब्स में कुछ तो लोग थे और कुछ खाली थी, जिसमें लोग आने का इंतज़ार किया जा रहा था, जैसे मैं या मेरे जैसे लोग आने वाले थे। वहाँ एक के बाद एक सेल में आदमी आदमी थे और वो अलग अलग तरह से दुख पा रहे थे। और वो बड़ा दुखदाई नाइटमेयर्स जैसा सपने जैसा था उनके लिए। वो अच्छी तरह तो जीवन नहीं बिता रहे थे, वो बिल्कुल नाइटमेयर ही था उनके लिए। और जैसे जैसे मैं जा रहा था, मैं समझा कि नर्क कोई छोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है। मैं तो सिर्फ कुछ हिस्से ही देख पाया था, जिसे पिट कहा जाता है। और उसने कहा कि तुम्हें दिखाने के लिए बोला गया है, उसने कहा कि मुझे पीछे आओ और देखो सड़क के बीच आकर के ये। और अलग तरह के कीड़े मकौड़े वहाँ रेंग रहे थे और इन क्यूब्स में अलग अलग स्तर के उन्हें दुख दिए जा रहे थे, और कुछ में तो डीमंस जा रहे थे और अलग अलग दुख दे रहे थे। वो वहाँ पे अलग अलग तरह से लोगों को परेशान कर रहे थे। जो लोग थे उन्हें जो डीमन सता रहे थे, उन्होंने एक्चुअली वैसे ही काम किए थे, इसलिए उन्हें वैसे सताया जा रहा था। आगे बढ़कर मैंने एक क्यूब के अंदर देखा, उसमें एक आदमी था और एक तैरता हुआ जहाज़ मैंने देखा। वो एक कैप्टन था उस जहाज़ का। अपने जहाज पर वो अपने गुलामों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता था और बहुत मज़े लेता था। और यहाँ उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया जा रहा था, उसे उसी तरह से सताया जा रहा था। और जो मुझे याद है कि उस क्यूब में से एक अलग तरह का एक प्राणी निकला, और वो प्राणी बड़ा खूबसूरत रंग का था, वो पर्पल कलर का था। और वो देखने में डरावना था, उसके सिर्फ हाथ और सिर्फ मुंह ही दिख रहा था। और मैंने देखा उसका मुंह चारों ओर घूम रहा था, वो सोच और विचार दे सकता था, वो
धूर्त और चालाक लग रहा था। वो ऐसी बात दिमाग में डाल रहा था कि परमेश्वर इतना अच्छा है तो लोगों को ऐसे तड़पा क्यों रहा है। तुम परमेश्वर को शाप दो और गाली दो। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वो डीमन कौन था, वो डीमन क्रीचर। इतना जानता हूँ कि उसके पास सामर्थ्य अधिकार भी था। वो शैतान का दाहिना हाथ या शैतान खुद भी हो सकता है। फिर एक छोटा सा बवंडर घूमा और उसमें से एक औरत आई जो अभी अभी मरी थी एक कार एक्सीडेंट में, और एक खाली क्यूब में वो बंद हो गई। जब वो वहाँ पहुँची तो अपने क्यूब के अंदर उसने खुद देखा कि उसका जो दादी माँ का दादा का घर था जिससे वो बहुत प्यार करती थी, और उसकी दादी भी जल्दी ही मरी थी और वो वहीं पड़ी हुई थी, और उसे लगा कि वो तो अब स्वर्ग में आ चुकी है क्योंकि उसे वैसा ही दिखाया जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो स्वर्ग में है और उसकी दादी बन करके एक डीमन उसे ये सब कुछ दिखा रहा था और भ्रम डाल रहा था उसके दिमाग में कि देखो तुम तो स्वर्ग आ गई भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आ गए। उसे सचमुच लग रहा था कि वो स्वर्ग में। उसकी जिंदगी के काले सच मुझे दिखाए गए कि वो अपने बच्चों पर ऐसा अधिकार जताती थी कि अगर उसके बच्चे कुछ और करते जैसा वो नहीं चाहती तो घूंसा मारती थी और मुंह से गालियां देती थी, और वो अपने बच्चों को काटकर सताती थी। और जब वो बैठ गई तो वैसे ही पेड़ों ने जो उसके दादा दादी के घर में लगे थे उन्हें उसे पकड़कर जकड़ लिया, और वो समझ गई कि मैं स्वर्ग में तो नहीं हूँ। और जब हम आगे बढ़ रहे थे एक क्यूब छोड़ करके, तो वहाँ लोग थे जो आग में बंद थे। उनकी खाल तो सही सलामत थी लेकिन वो जल रहे थे। मैं एक और क्यूब के पास आया, वहाँ पूल खेलने वाला एक व्यक्ति बंद था जो सीरियल किलर भी था बच्चों का, और ये 1940 का कोई व्यक्ति था। और ये पूल हॉलवे में था और इसे लग रहा था कि जैसे अभी इसे पनिशमेंट से थोड़ा सा ब्रेक मिला है, और इसके साथ जो लोग थे वो इसे बहुत दौड़ दौड़ कर तड़पा रहे थे, उसे पूरा पकड़ कर फाड़ दे रहे थे बीच से। मैंने देखा ऊपर से एक बड़ा सा डीमन आया, उसे देखकर मुझे सांप याद आया, वो सांप जो निगल जाता है। और कुछ छोटे से डीमन आए जो नाराज हो रहे थे कि हमें हमारा मौका नहीं मिला इस आदमी के साथ खेलने का और तड़पाने का। वो सब उसे खा जा रहे थे और वो फिर बन जा रहा था। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है लेकिन ऐसा हुआ। और फिर छोटे छोटे फुट 3 फुट के डीमन्स आए और वो उस पर कूद पड़े, फाड़ दिया, उसे मार रहे थे और नोच रहे थे। इस आदमी को कोई भी आराम नहीं था कभी भी, और इसने जो कुछ किया था इसे बिल्कुल वैसा ही लौटाया जा रहा था और उससे भी ज़्यादा इसे भरना पड़ रहा था। फिर आगे बढ़ के मैं क्यूब को देख रहा था और उसमें एक औरत थी, वो उसने अच्छे कपड़े पहने थे और वो प्रोस्टिट्यूट थी, वैश्या। ये 69 AD यानी लगभग 1900 साल पहले मरी हुई एक औरत थी। इसने बलि दी थी अपने पैदा हुए बच्चे की, पता नहीं किसी धर्म से या जादू तोड़ने के कारण, या एक मूर्ति के सामने थी ये। उस मूर्ति के सामने आग चल रही थी और वहाँ ये खड़ी होकर अपने बच्चे को काट रही थी, और फिर वो आग में चढ़ाए जाते थे, ऐसा इसने कई बार किया था। और उस मंदिर में जितने भी बच्चे चढ़ाए गए थे ये सब इसको बहुत तड़पा रहे थे, सता रहे थे, और इसके लिए कोई आराम नहीं था। उसे नोच रहे थे, फाड़ रहे थे और इसको दांत काट रहे थे, और ये बुरी तरह से चीख रही थी। खैर मुझे मुड़कर जाना पड़ा। आगे चलकर वहाँ एक और औरत थी जो जादू टोना करती थी, काला जादू, और वो जादूगरनी थी। और मैं जानता था कि वो कई सौ साल पहले मरी थी, और वो एक कॉफिन में बंद थी बहुत समय से, और कई सौ सालों से वो खुला नहीं था, और जब जब खुलता तो डीमंस उसे तड़पाते थे। आगे बढ़कर मैंने एक और औरत को देखा, और उसने ऐसा विश्वास किया था कि धरती माँ उसे बचाएगी। वो पेड़ों की और पहाड़ों की पूजा करती थी। उसके धर्म में ही उसे सिखाया गया था कि बस प्रकृति को ही सब कुछ मान लो। आग के चारों ओर चक्कर लगाकर बहुत सारे लोगों के साथ इसी तरह से मज़े करना और कूदना, नाचना। और जिनको वो लोग समझ रही थी वो लोग दरअसल डीमंस थे। वो उससे कह रहे थे कि तुमने ये किया, ये देखो पत्थर, तुमने लगता था पत्थर बचाएगा तुम्हें, ये लो पत्थर। वो वहाँ खड़ी थी और दुष्ट आत्माएं आई और उसके मुंह को पकड़कर चीर दिया, नोच लिया पूरा, और भी चेहरा नोच रहे थे, और उससे कह रहे थे, उससे बात करके कह रहे थे कि तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, ना पत्थर ना कुछ। और
कंधे की एक पूरी खाल चीर कर उतार दी। वो बहुत धीरे धीरे और तड़पा के ये कर रहे थे और उसकी पूरी खाल उतर गई और बिल्कुल जब हड्डियां रह गई तो सिर्फ हड्डियां भी तोड़ दी उसकी, और वो सब कुछ महसूस कर सकती थी। हिटलर को मैंने वहां देखा। हिटलर एक क्यूब में, एक चैम्बर में बैठा था और वो ऊपर से खुला था लेकिन उसके चारों तरफ आंख थी। वो बस बैठा था और जल रहा था और उसका मांस जल रहा था और वो मांस जलने की सड़ान थी। उसका मुंह बहुत भद्दा था। वो एक एक चीज महसूस कर रहा था। ऐसा था जैसे किसी ओवन के अंदर किसी को डाल दिया जाए या उसके जो चैम्बर्स थे, गैस चैम्बर जिसमें उसने लोगों को मारा था, वो वैसे ही तड़पाया जा रहा था। और जैसे ही वो सफ़ेद गर्म लावा उस पर पड़ता तो उसका मांस निकल जाता और फिर उसका मांस थोड़ी देर बाद फिर आ जाता था। वो वहाँ इस तरह का सताव झेल रहा था और बहुत तड़पाया जा रहा था। टॉर्चर था वो, और उसके चेहरे पे बड़ा गंदा लुक। हिस्से में पहुँचा, वो बिल्कुल अलग हिस्सा था। वो दीवार के पार का हिस्सा था, वो भी काला गहरा गड्ढा ही था बहुत बड़ा। फिर मैं पहुँचा एक गड्ढे के पास, एक जगह में, और इस चैम्बर में वो ऊपर से खुला था और डीमंस मुझको अंदर ले जाना चाह रहे थे। और ये एक डेंटिस्ट की चेयर जैसा लग रहा था। मैं डेंटिस्ट से बिल्कुल डरता नहीं हूँ, लेकिन जो दुष्ट आत्माएं थी अंदर वो मुझसे कह रही थी कि तुम इस जगह पे आने वाले हो, और वो मुझे अंदर खींचना चाह रहे थे और मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा था। और ये जगह मेरे लिए बहुत बहुत अजीब सी थी, मैं मेरे लिए बहुत दुखदाई थी। मैं वहाँ बहुत डर गया था, और अगर आप वहाँ हैं तो आप यीशु मसीह बोलना चाहेंगे। मैं तो इतनी ऊंची आवाज़ में इतना तेज़ बोल रहा था, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। बस मैं यही बोल पा रहा था। वो मुझे इस क्यूब में खींचना चाह रहे थे लेकिन मैं जाना नहीं चाह रहा था। और जैसे मैंने कहा कि आप पूरे समय ऊपर से एक कनेक्शन को फील करते हैं अपने साथ, और मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे लगा मेरे पीछे से कोई आ रहा है, और कदमों की आवाज़ में उसे सुनाई दे रही थी, गुर्राने की और कड़कड़ाने की, बिजलियों की आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ पास होती जा रही थी। और मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं पीछे भी मुड़ के देखना नहीं चाह रहा था कि वो कौन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो चीज़ें मुझे घेर लें, वो दुष्ट आत्माएँ। और अचानक वो दुष्ट मेरी तरफ दौड़े और मेरे पीछे एक बहुत अच्छी उपस्थिति आई, और मेरे पीछे से जो आ रहा था उसे देखकर ये सारी दुष्ट आत्माएं इधर उधर हो गईं, भाग गईं। और वो पर्पल कलर का जो वो दुष्ट दूत था, वो शैतान था क्या था, लेकिन वो भी जो है उसके सामने झुका और दंडवत करके और झुककर वो धुएं में धुंध में गायब हो गया। और फिर प्रभु मुझे ऊपर उठाने लगा। और वो यीशु के हाथ थे, उसने मुझे ऊपर निकाला। ये हिस्सा तो मुझे सही तरह से याद है, उसने मुझे बाहर निकाला। मैं समझ पा रहा था कि मैंने उसे क्रूस पे चढ़ाया है, और वो जिन हाथों से मुझे उठाया था वो हाथ, उसे मांस दिख रहा था, हड्डी दिख रही थी, ये सब मैंने करवाया। और फिर भी उसने मुझे बाहर निकाला। और फिर मैं तैरता हुआ उस गड्ढे से ऊपर आया, उस अथाह कुंड से, और यही मुझे याद है। और मैं सीधे ऊपर बाहर आ गया, और आगे का मुझे बहुत थोड़ा सा याद है हॉस्पिटल का। मैं हॉस्पिटल में, मैंने अपनी आँख खोली, वहाँ नर्स मुझे इंजेक्शन लगा रही थी, और जब मैं उठा तो मैं सांस भरने की कोशिश कर रहा था, और मैंने डॉक्टर के बाजू को पकड़ के कहा, मैं उस क्यूब में नहीं हूँ। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम ठीक हो, तुम हॉस्पिटल में हो। और फिर उस दिन के बाद से मैं कभी नास्तिक नहीं रहा। वहाँ एक ईश्वर है भाई, एक स्वर्ग है और नरक भी है। ब्रायन को मौका मिला, शायद आपको ना मिले। यकीन करें कि यीशु प्रभु है, अपने पापों से मुंह मोड़ें और यीशु पर यकीन लाएं।